हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल ऑफ यू आर वेरी फाइन एंड अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल द टॉपिक डेमोक्रेसी, राइट? सो डियर स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू इन लास्ट वीडियो दैट आई विल एक्सप्लेन यू वन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, राइट? सो डियर स्टूडेंट्स, इन टुडेज वीडियोज I will just explain you one feature of democracy, and that feature is major decisions by elected leaders. मतलब डेमोक्रेसी में जो महत्वपूर्ण फैसले होते हैं वो महत्वपूर्ण फैसले सारे elected leaders के द्वारा लिए जाते हैं. This not happened in any other type of government. This is the key difference that major decisions will be taken by elected leaders in democracy, whereas whenever we will talk about other form of government, then it will be seen that the major decisions taking power just do not lie in the hand of the elected representatives, right? To understand what type of major decisions, right? किस तरह के major decisions हो सकते हैं, इसको समझने के लिए हम लोग इस videos में एक example देखेंगे और हम लोग study करेंगे पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा, right? फिर आपको clear हो जाएगा कि अबाउट विच इंपॉर्टेंट और मेजर डिसीजंस वी आर टॉकिंग टू, राइट? सो बिफोर जस्ट कंक्लूडिंग टू दिस टॉपिक और दिस फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, वी विल जस्ट स्टडी द एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तान. यू विल सी, आपके माइंड में ये वो भी चलता भी होगा, जानते हो कि क्या वट एवर द गवर्नमेंट जस्ट वर्किंग इन पाकिस्तान इज अ डेमोक्रेटिकल गवर्नमेंट. दुनिया के नजर में देखा जाए तो पाकिस्तान ये दिखाती है कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, लेकिन इंडिया के साथ ही वो इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिया से अलग ही हुआ. 15 अगस्त को हम लोग बोलते हैं, 15th अगस्त 1947 को हम इंडिपेंडेंट हुए, लेकिन पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि 14 अगस्त को ही ये इंडिपेंडेंट हो गया. 14 अगस्त को मिडनाइट में डिक्लेयर कर दिया गया था, पाकिस्तान इज अ सेपरेट नेशन एंड सेपरेट इंडिपेंडेंट नेशन. बट आफ्टर द इंडिपेंडेंसी फ्रॉम 1947 टू टिल नाउ, यू विल गेट दैट 3 times देयर वाज मिलिट्री रूलिंग just overthrown the democratic ruling system of Pakistan. It means what? Ki there is not a powerful democratical system just working there, right? 3 times wahan par military government, military ne wahan par democratical government ko khatam karke wahan par apni ruling wahan par le aaya. To is ab ye kya hai, इसको हम समझे थोड़ा सा. एक एग्जाम्पल यहां दिया गया है कि परवेज, जनरल परवेज मुशर्रफ का नाम सुना होगा आप लोगों ने, राइट? हुआ मिलिट्री हेड, राइट? वो मिलिट्री हेड था. उसने क्या किया, मिलिट्री कूप के द्वारा, मिलिट्री वहां पर जो उससे इंटेंटेनियर 1999 से पहले जो डेमोक्रेटिकल गवर्नमेंट था, वह उस डेमोक्रेटिकल गवर्नमेंट को उखाड़ फेंक दिया. मतलब उसको वहां से, मतलब उसके पावर को सीज करके मिलिट्री अपने हाथों में पावर ले लिया. कब? मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999 के अक्टूबर महीने में जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, मिलिट्री रूलिंग पाकिस्तान में ले आया. ठीक है, मिलिट्री रूलिंग पाकिस्तान में आ जाने का मतलब क्या हुआ, या किसी भी कंट्री में मिलिट्री रूलिंग आने का मतलब क्या हुआ, कि डेमोक्रेटिकल सिस्टम जो गवर्नमेंट है, जो कैबिनेट है,
ठीक है, सिविलियन कैबिनेट जो जनता के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा उसके पावर को खत्म कर दिया गया, उसको डिसमिस कर दिया गया और मिलिट्री सारे पावर अपने हाथों में ले लिया। एक बात जान लीजिए, व्हेन एवर देयर इज अ मिलिट्रिकल रूलिंग सिस्टम द पीपल्स विल नॉट एंजॉय देयर फंडामेंटल राइट्स। अभी आप देखते हो कि अभी कोरोना के टाइम में अगर मान लीजिए कि मतलब आर्टिकल 144 लग जाती है, कर्फ्यू लग जाती है, चार लोग बाहर घूम नहीं सकते हैं, एंजॉय नहीं कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते हैं, तो आप सोच लो कुछ ऐसी ही रूलिंग होती है मिलिट्री रूलिंग में। मिलिट्री जैसी कहेगी वैसे आपको करना होगा, यू कैन नॉट एंजॉय योर फंडामेंटल राइट्स, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंड इन अक्टूबर 1999, देयर वाज ओवरथ्रोन ऑफ द मिलिट्री रूलिंग, राइट, एंड जनरल परवेज मुशर्रफ जस्ट एस्टेब्लिश्ड अ मिलिट्रिकल रूलिंग इन पाकिस्तान, राइट। उसके बाद जब मिलिट्री रूलिंग उसने एस्टेब्लिश कर दिया तो पूरे वर्ल्ड से उसको प्रेशर आने लगा कि कहीं पर भी मिलिट्री रूलिंग आप करोगे तो डेमोक्रेटिकल गवर्नमेंट कंट्री जो है वर्ल्ड के वो सारे आपको प्रेशर करेंगे कि आपके साथ वो फाइनेंशियल या ट्रेडिंग रिलेशनशिप, किसी भी तरह का रिलेशनशिप वो मतलब आपसे मेंटेन नहीं रखेगा। जब पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आना स्टार्ट हो गया कि आप जल्दी से डेमोक्रेसी वहाँ पे इस्टेब्लिश कीजिए, फिर से इलेक्शन करा करके वहाँ पर एक डेमोक्रेटिकल सिस्टम को इस्टेब्लिश कीजिए, तो जा करके लास्टली क्या हुआ, लास्टली आप परवेज मुशर्रफ जो मिलिट्री रूलिंग के में आने के बाद अपने आप को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर लिया, ठीक है, डिजिनेटेड हिमसेल्फ एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अब क्या होता है, प्रेसिडेंट तो बन गया लेकिन डेमोक्रेटिकल कैबिनेट तो था नहीं उसके पास, ठीक है, तो डेमोक्रेटिकल सिविलियन कैबिनेट उसके पास नहीं था तो प्रेशर बहुत ज़्यादा वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज, वर्ल्ड के दूसरे पावरफुल कंट्रीज के तरफ से प्रेशर बहुत ज़्यादा आने लगा। रिजल्टली उसने क्या किया, 2002 में एक रेफरेंडम लाया, ठीक है। और अब कहोगे क्या रेफरेंडम माने क्या, एक लीगल ऑर्डर, एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर कह सकते हो, जिसके तहत वो उस ऑर्डर लेटर को मतलब डिक्लेयर करके अपने आप को क्या कर लिया, अपने आप को ग्रांटिंग हिम एन एक्सटेंशन ऑफ 5 years, मतलब बिना इलेक्शन कराए एक रेफरेंडम लाया, एक गवर्नमेंट रेफरेंडम को कह सकते, रेफरेंडम इज अ गवर्नमेंट ऑर्डर, राइट। उस ऑर्डर के तहत अपने आप को अगले 5 साल के लिए फिर से प्रेसिडेंट या लीडर्स के रूप में मतलब अपने आप को डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। तो एक तरह से रेफरेंडम देखा जाए तो उसमें क्या होता है, पब्लिक से वो पब्लिक से व्यूज लिया जाता है कि सरकार की कैसी काम कर रही है, तो अपने आप को ये कहा कि हमने सर्वे करवाया एक, और सर्वे के आधार पर सारे लोगों का ये मानना है कि हम एक रूलर्स के रूप में ठीक है। तो इस तरह से एक रेफरेंडम ला करके अपने आप को अगले 5 साल के लिए फिर से रूलर के रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में पाकिस्तान में डिक्लेयर कर लिया, ठीक। और क्या किया कि लेकिन जब ये रेफरेंडम आया और 5 साल के लिए अपने आप को फिर से एक्सटेंड करवा कर लिया जे प्रेसिडेंट, तो वहाँ के पीपल्स के द्वारा प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया इस रेफरेंडम के अगेंस्ट में। पूरे पाकिस्तान के जो पीपल्स जो किस डेमोक्रेसी को चाहते थे, क्योंकि लोगों की वोटिंग राइट्स नहीं थी, लोग चुने हुए सरकार उनके रिप्रेजेंटेटिव्स तो वहाँ पर था नहीं, जनता की हालत ख़राब था, जनता के वेलफेयर के बारे में कुछ सोचने वाला कोई था नहीं, इसलिए पीपल्स जो थे रोड पर आ गए और रोड पर आकर के परवेज मुशर्रफ के खिलाफ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जो अपने आप को प्रेसिडेंट के रूप में डिक्लेयर कर लिया था जनरल परवेज मुशर्रफ, उसके खिलाफ में लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, संघर्ष करना स्टार्ट कर दिया, डेमोन्स्ट्रेशन करना स्टार्ट कर दिया। अब देखते हैं कि इतना ही नहीं किया उसने क्या किया, अपने आप को वहां पर एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर्स निकाला, वही बताया थे कि ये रेफरेंडम और लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत प्रेसिडेंट अपनी तरफ से उसने एक लेटर निकलवा लिया, और उस लेटर में के बाद उसने क्या किया, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को संशोधन करवा दे किया। पाकिस्तान में जो पहले नियम बना हुआ था, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उस कॉन्स्टिट्यूशन का उसने क्या किया, अमेंडमेंट कराया। अब कहोगे कि अमेंडमेंट वो कराया तो क्या इसमें गलत क्या किया, तो अमेंडमेंट करने का एक प्रोसीजर है जिसमें कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स सारे मिलकर के ही उसको अमेंड कर सकते हैं,
जैसे कोई भी संविधान में बदलाव लाना होता है तो उसको हमारे यहाँ इंडिया में देखते हैं तो पार्लियामेंट में, उसे लोकसभा में, राज्यसभा में पास होना होता है, लोकसभा में डिस्कस होती है उस पर सारे मेंबर्स के सामने में, सारे मेंबर्स पे डिस्कस होने के बाद 2/3 जो मेंबर्स से जब वो पास होता है, उसके बाद फिर राज्यसभा में जाती है, राज्यसभा में फिर पास होता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, तब जा करके वो कोई कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर सकते हैं, हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। ये पूरा एक लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन इस सारे प्रोसेस को बिना पास किए हुए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत पाकिस्तान के कानून में उस जनरल परवेज मुशर्रफ ने बहुत सारा बदलाव किया। और क्या बदलाव किया ये देखिए कि amended constitution and president can dismiss the national and provisional government। और एक बहुत बड़ा major power अपने president अपने हाथ में ले लिया कि president जो है वो वहाँ के cabinet को, वहाँ के national government को और province government मतलब जो state governments वहाँ पे थे वो किसी को भी क्या कर सकता था, dismiss कर सकता था। means president को एक विशेष अधिकार, विशेष पावर अपने ले लिया कि वो यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी को भी वो डिसमिस कर सकता था। ठीक है, दूसरा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वुड सुपरवाइज सिविलियंस कैबिनेट। और इतना नहीं, मिलिट्री को पावर और ज्यादा दे दिया और मिलिट्री को मतलब कैबिनेट को सुपरवाइज करने की अधिकार दे दी गई। हालांकि देखा जाए तो डेमोक्रेटिकल कंट्रीज में जो सिविलियंस कैबिनेट जो होता है वो क्या होता है, सबसे पावरफुल होता है, वो किसी के मॉनिटर उस पर कोई नहीं कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ, तो पाकिस्तान में मतलब कि मिलिट्री को विशेष पावर दे दिया गया और डेमोक्रेटिकल सिस्टम को चलाने के लिए जो सिविलियन कैबिनेट्स जो होता है उस सिविलियन कैबिनेट्स को मॉनिटर करने का राइट्स मिलिट्री पावर को दे दिया। तो अब ये आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में किस तरह का ये घटनाक्रम हुआ, ये पूरे पाकिस्तान का किस तरह का चलता रहा टाइमलाइन। अब इन सारे इंसिडेंट के बेसिस पे क्या आप कह सकते हो कि पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिकल सिस्टम था, या जनरल परवेज मुशर्रफ ने जिस प्रकार से सब कुछ किया, क्या ये सारे इंसिडेंट्स ये प्रूफ करती है कि पाकिस्तान हैज अ डेमोक्रेटिकल रूलिंग सिस्टम ड्यूरिंग द रूलिंग ऑफ जनरल परवेज मुशर्रफ? ऑब्वियसली आई थिंक द आंसर विल नो। Means as per the law, as per the definition of democracy, the major decision must be taken by elected representatives, right? तो पाकिस्तान में वो जनरल परवेज मुशर्रफ elected representatives नहीं था, वो अपने आप को declare कर दिया कि वो democratical system के तहत वो president है और उसने अपने मन से, उसने वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर दिया, लीगल फ्रेमवर्क ले आया, अमेंडमेंट कर दिया, ठीक है, और इस रेफरेंडम ले आया। ये सारे जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं, ये क्या हुआ, इलेक्टेड गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बल्कि एक मिलिट्रिकल ऑफिसर के द्वारा लिया गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डिक्लेयर होने के बावजूद भी पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिकल गवर्नमेंट नहीं था। तो इट इज द circumstances and mandatory term or condition for a democratical ruling system that the major decision must be taken by the elected representative. If any type of government, right, if the major decisions will not be taken by the elected representatives or elected leaders, then we cannot say they are existing, they are a democratical system. तो democratical system में elected representatives के द्वारा major decisions लिया जाता। अगर कोई भी country ये कहती है कि democracy हम हैं, लेकिन वहाँ का decisions elected representatives के द्वारा नहीं लिया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर democracy नहीं है, वहां पर केवल नाम का डेमोक्रेसी है, एक्चुअल डेमोक्रेसी के फंडामेंटल प्रिंसिपल को वो पालन नहीं करता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। सो इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी दैट द मेजर डिसीजंस विल बी टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स इन डेमोक्रेसी।
क्लियर। तो इस पूरी कहानी आपको समझ में आ गई। इस पूरी कहानी की समरी अगर हम देखें तो इस समरी के रूप में हम कह सकते हैं कि अ रूलिंग सिस्टम कैन बी डेमोक्रेटिक इफ देयर मेजर डिसीजंस विल बी टेकन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। सो वन ऑफ द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज व्हाट द मेजर डिसीजन विल बी टेकन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और इलेक्टेड लीडर्स। इट इज रिटेन हियर इन अ डेमोक्रेसी the final decisions making power must rest with those elected by the people। democratical government mein final decisions lene ka right kiske haathon mein hoga, nishchit roop se final elected representatives ke haath mein hoga। theek hai, to ek dear students I think clear ho gaya hoga। agar koi doubt ho to aap comment section mein likh sakte hain, theek hai, ya aap mujhe call bhi kar sakte hain। ठीक है, माय मोबाइल नंबर इज नोन टू एवरीवन 8210320497। राइट, सो वी विल अगेन मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद वन मोर फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। टिल दैट टाइम बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।